सम्मान जी बड़ा बाबू बड़ा बम्मन जी वही है ना सुधाकर घूम रहा था हम इसको पकड़े हम सीआईडी बनाते थे तो अभी उसको हम पकड़ के लिए दोनों है सुधाकर ये पकड़ाया आज मुख्य अभियुक्त तो आप ही हैं इसमें मुख्य अभियुक्त में फंसाया गया है सर फंसाया गया क्या नाम है आपका मेरा नाम सुधाकर कहाँ घर हुआ आपका छठ पर्व के दौरान छुट्टी में घर आए झारखंड पुलिस के जवान की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्या आरोपी भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत के माधव नगर गांव निवासी पंकज यादव का पुत्र सुधाकर कुमार यादव है। गिरफ्तार हत्या आरोपी सुधाकर यादव ने छठ पर्व मनाने अपने गाँव आए झारखंड पुलिस के जवान मुकेश यादव की अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से सुधाकर यादव अपने सभी सहयोगियों के साथ घर से फरार था। बुधवार की दोपहर मृतक के परिजन किसी काम से पूर्णिया आए हुए थे। इसी दौरान लाइन बाजार स्थित पंचमुखी मंदिर के नज़दीक पुलिस जवान के हत्यारे को भागते देखा। इसके बाद परिजनों ने आरोपी सुधाकर यादव को खदेड़ कर पकड़ लिया और केहाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में भवानीपुर पुलिस ने सुधाकर यादव को अपने कब्जे में ले लिया। भवानीपुर पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि पुलिस जवान के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी बचे सभी अन्य अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बम्मन जी यही था बम्मन जी बम्मन जी वही है ना सुधाकर घूम रहा था हम इसको पकड़े हम सीआईडी बनाते थे तो अभी उसको हम पकड़ के लिए दोनों है सुधाकर ये पकड़ाया आज आप पे जो आरोप लग रहा है आपसी जो है ना सर आपसी प्रधानमंत्री के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था ठीक उसी में जो है थोड़ा बहुत मिस है इनके भाई बम्बम कुमार यादव की भाई मुकेश यादव को लाठी लगे हुए हैं जिसके कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा कोई भी किसी भी थाना पूरा बिहार में कहीं क्राइम रिकॉर्ड नहीं है देख सकता है। मुख्य अभियुक्त तो आप ही हैं इसमें मुख्य अभियुक्त में फंसाया गया है सर फंसाया गया क्या नाम है आपका मेरा नाम सुधाकर कहाँ घर हुआ आपका क्या मामला था मामला ये था भैया आए थे छठ पूजा में छुट्टी लेके झारखंड पुलिस है और पूर्व रंजिश में क्या नाम है भाई भाई का मुकेश कुमार यादव पूर्व रंजिश ये लोग घात लगाए हुए थे छुट्टी में कम आते थे पूर्व रंजिश एक केस चल रहा था इन लोग का परिवार में उसी में ये लोग बोला केस उठाओ नहीं तो मार देंगे पहले से ही धमकी दे रहा था छठ में आया मौका मिल गया सुबह छुट्टी से चला जाता छठ पूजा करके और शाम में 7:30 बजे तकरीबन ये पूरा परिवार लोग आया मेरे भैया को लाठी डंडा लोहा का रड से माथा चूर चूर कर दिया था 4 दिसंबर को मैक्स 7 ने भर्ती थी डेट कर गए। इसके बाद ये लोग खुलेआम घूम रहे थे आज हम लोग इसको देखे लाइन बाजार में हम भी कुछ काम से आए हुए थे पूर्णिया इनको देखे तब इनको पकड़े और स्थानीय पुलिस के हाट को इसके बारे में सूचना दिए। ये विभाग सुधाकर कुमार मुख्य अभियुक्त है ये लोग यही मारा था पहला जो है ना दूसरा बांस का टुकड़ा से यही वार किया था। विवाद क्या था विवाद पुराना था पुराना अपहरण वाला केस था उसी में चल रहा था ये लोग केस उठाने के लिए बोल रहे थे उसी में उसी को लेकर आया और द्वार पे भैया और हम लोग दरवाजे पर बैठे थे घर में घुस के दरवाजे पर घुस के चारों बगल से घेर लिया मारना स्टार्ट कर दिया। उस समय क्या आपके अकेले आध मारा नहीं हम भी थे भैगना सब था जी सब दरवाजा पर थे इंडिया और मैच था लास्ट वर्ल्ड कप का वही सब आदमी दरवाजा पर देख रहे थे और हम भैया से बातचीत कर रहे थे आया सब हम वहां पर साइड हो गए नहीं तो हमको भी मार देता हम बच गए अधमरा कर दिया पूरा जी लोग
छह छह आदमी छह अभियुक्त हैं जो कि दिवाकर कुमार फर्स्ट गिरफ्तार हुआ, दूसरा गिरफ्तार सुधाकर कुमार, दोनों भाई गिरफ्तार हो गया। अभी भी चार अभियुक्त फरार हैं जो कि भवेश कुमार, पिता अनुरोध यादव, अमर कुमार, पुल्ठू यादव, अमोद यादव और छोटू कुमार, ये चार अभियुक्त अभी भी फरार हैं। और ये लोग लगातार हम लोग को धमकियां दे रहे हैं, हम लोग का परिवार उजाड़ दिया, हम लोग बेघर हो गए, हम लोग अकेले हैं और हम लोग उस तरह के प्रवृत्ति के लोग नहीं है। हम खुद पत्रकार हैं भवानीपुर प्रखंड से और हमारा भैया झारखंड पुलिस में थे, भाभी बेसुध है, वो उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। हम पर कब से था चल रहा था, ये डेढ़ महीना तकरीबन चल रहा था। 19 नवंबर को कांड हुआ तभी से ये फरार चल रहा है। पुलिस नहीं पकड़ रही थी, पुलिस मतलब पुलिस की गिरफ्त से फरार है तो वो भी प्रयास कर रहे थे, पकड़ नहीं सक रहे थे। तो हम लोग इनको गुप्त सूचना मिला था ये पूर्णिया में रहेगा, हम लोग चारों बगल आदमी हम लोग थे इसको शिकार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बमन कुमार और महा पुलिस अध्यक्ष से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमको न्याय दीजिए और चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम लोग का भी कभी भी कोई भी अन्याय हो सकता है, घटना हो सकता है, मर्डर हो सकता है। इन लोग का यही नारा है, पूरा परिवार को उजाड़ देना, इन लोग का यही है, निवेदन करते हैं। पिता का नाम क्या है? भीम यादव, मेरे पिताजी भी एसआई थे, हम लोग देश सेवा करना चाहते, देश सेवा में रहते, पिताजी भी एक्सपायर कर गए, हम लोग बेघर हो गए। यही कहाँ करोगे? माधव नगर भवानीपुर। एक खुशखबरी है आपके, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशियों से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में, इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।